नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, ग्रह प्रवेश, ग्रह आरंभ, न्यू पूजन, भूमि पूजन, इसके बारे में हमने वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन इसके पश्चात भी लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा रहती हैं और वो हमेशा हमें फ़ोन करते रहते हैं। इस कारण से हमने फिर ग्रह प्रवेश के अलग अलग माह के वीडियो डाल दिए थे। इसके पश्चात भूमि पूजन आदि के लिए भी लोग हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो फिर हमने उसके भी एक अलग अलग वीडियो मई और जून का हम अलग अलग वीडियो आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, पहले तो ये समझ लें कि मुहूर्त होते क्या हैं। कोई भी दिन, कोई भी तिथि या कोई भी नक्षत्र खराब नहीं होता है, लेकिन हर एक दिन का, हर एक नक्षत्र का अपना अपना एक स्वभाव होता है। इस कारण से जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उनके स्वभाव अनुसार हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े, कोई उसकी हमारे अंदर उसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए उनका चयन अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। रात्रि का अपना एक अलग महत्व होता है, दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। दिन को जो आप कार्य करते हैं वो रात को नहीं कर सकते हैं। दिन जो होता है व्यक्ति के कर्म करने का होता है और रात्रि व्यक्ति को विश्राम करने का समय होता है। जब आदमी विश्राम करता है, यदि रात्रि नहीं आएगी और आदमी विश्राम नहीं करेगा तो दूसरे दिन कार्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे जो त्यौहार आते हैं तो त्यौहारों में अपनी एक ऊर्जा रहती है, चाहे वो नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, जन्माष्टमी हो, हर एक त्यौहार में अपनी अपनी एक प्रकृति की एक अलग ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा के तहत ही उस समय कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, यह हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में हमें मार्गदर्शन किया है। इसी प्रकार से जब हम भूमि पूजन, न्यू पूजन या ग्रह आरंभ करते हैं तो उस समय हम यदि सही तिथि, सही दिन और सही समय का यदि हम उपयोग करते हैं तो फिर वहाँ पर जब हम मकान बनाएंगे और जब उसमें गृह प्रवेश करेंगे तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा सुफलदायी होगा। किसी प्रकार की कोई भी वहाँ पर हमें कठिनाइयाँ पैदा नहीं होंगी। मित्रों, ये भी हमारे पास वो फ़ोन आते कि पंडित जी, आपने तो फला तारीख का मुहूर्त बताया नहीं है। हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं वो तो इस तारीख का मुहूर्त बता रहे हैं, लेकिन आपने नहीं बताया है। मित्रों, हम आपको ये चीज़ स्पष्ट कर दें कि हम अपने चैनल पर सिर्फ वही तारीखें देते हैं जो सबसे ज़्यादा शुभ हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई भी अशुभता नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के पंचांगों में अलग अलग तिथियां दी रहती हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि कोई भी दिन, कोई भी तिथि बुरी नहीं होती है, हर एक का अपना अपना महत्व होता है, हर दिन का अपना महत्व होता है, हर एक दिन किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं वह हमें कितना अनुकूल होगा यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सिर्फ वही तारीखें बताते हैं जो तारीखें आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा लाभप्रद होंगी, वही हमारा एक मेन उद्देश्य रहता है।
तो आज हम मई माह में आपको बताएंगे कि किस दिन आपको ग्रह प्रवेश क्षमा करेंगे। हाँ, आज हम आपको मई माह में बताएंगे कि किस समय आपको भूमि पूजन, न्यू पूजन या ग्रह आरंभ आपको करना चाहिए। 11 मई दिन शनिवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि और पुष्य नक्षत्र है। इस दिन यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, धन धान की आपके घर में वृद्धि रहेगी। 16 मई दिन है गुरुवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी एवं त्रयोदशी तिथि रहेगी, हस्त एवं चित्रा नक्षत्र रहेगा। तो ये दो तारीख हैं भूमि पूजन, न्यू पूजन या ग्रह आरंभ करने के लिए मई माह में सबसे उत्तम हैं। इसके अलावा भी अन्य पंचांगों में आपको 2 मई, 6 मई, 27 मई, 29 मई, 30 मई एवं 31 मई की भी तारीखें मिल सकती हैं, जो कि आपके क्षेत्रीय पंडित आपको बता सकते हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा शुभ हमारी दृष्टि से नहीं है, इसलिए हमने उन तारीखों का आपको नहीं बताया है, क्योंकि 29 और 30 तारीख में पंचक भी रहेंगे। तो जब पंचक रहते तो फिर आदमियों के मन में संदेह होता है कि पंडित जी पंचक है, इस समय हम कार्य प्रारंभ करें या नहीं करें। मुहूर्त तो हैं, लेकिन ये कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं, जैसे कि हमने बताया 29 और 30 तारीख में पंचक रहेंगे, इस कारण से हमने उन तिथियों को नहीं बताया है। इसलिए यदि आप ग्रह आरंभ, भूमि पूजन या न्यू पूजन करना चाहते हैं तो आप 11 मई और 16 मई के यदि आप चयन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। तो आशा है मित्रों, यह वीडियो आपकी भ्रांतियों को दूर करेगा और इन तारीखों में यदि आप चयन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना हो, माँ गायत्री की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बरसती रहे। और मित्रों, यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका यदि आपके मन में है तो आप 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ कर दें, तो फिर जो भी अशुभता होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि पुनः हम नए वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। हाँ मित्रों, एक चीज़ हम आपसे बोलना भूल गए कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहें। नमस्कार, ओम।